तो गाइज Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए फाइनली Android 10 अपडेट आ चुका है, जो कि बीटा प्रीव्यू आप जो भी चाहें वो कह सकते हैं इसको। तो यहां पर अगर आपने आपके डिवाइस पे अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है और आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने डिवाइस पे, तो इसके लिए क्या कुछ करना होगा, कैसे आप कर सकते हैं, आई बटन पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे Android 10 के मजे ले सकते हैं। हालांकि पिछले मेरे वीडियोज में मैंने बताया था कि मैं रिकमेंड नहीं करता आप इसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करें, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा बग्स वगैरह थे। अगर आप वो डिटेल रिव्यू मेरा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप मेरा वो पूरा रिव्यू देख सकते हैं जहां मैंने Android 10 को डिटेल में बताया कि क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें बुरी हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने फोन के अंदर Android 10 को इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद में वो लोग परेशान हो गए Android 10 के बग्स से और वापस से चाहते हैं कि हम अपने फोन को वापस से डाउनग्रेड कर लें, फिर से हम पाई में चले जाएं ताकि हमारा फोन जो पहले वाले फीचर्स थे उनके साथ में काम करने लगे और बग्स से हमें आजादी मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में यही बताने वाला हूं कि आप अपने फोन को डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं एंड्रॉइड पाई में और बड़े ही आराम से आप एंड्रॉइड 10 से आजादी पा सकते हैं और फिर से अपने फोन को पहले जैसा बना सकते हैं। तो गाइज मैं हूं आपके साथ विकास और हमेशा की तरह मैं कहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने डिवाइस को कैसे अगर आपने एंड्रॉइड 10 में इसको अपग्रेड कर लिया और उससे परेशान आ गए तो कैसे आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में, आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फ़ोन पे पीसी पे जहां भी आपको करना है और वहां जाकर के आपको सिंपली सर्च करना है Max Pro M1 Android 10 या फिर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे Asus की वेबसाइट आपको ये मेन वेबसाइट आपको ढूंढनी है, आपको इसको सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट जो भी फर्मवेयर होगा वो दिखेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे सी ऑल डाउनलोड्स, इसमें आपको यहाँ जाना है Max Pro M1 डाउनग्रेड टू 9 और ये फाइल आपको सिंपली करने के लिए डाउनलोड। मैंने लेंथी प्रोसेस इसलिए बताया है ताकि आप अगर मैनुअली इसको फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्ट लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद में आपको फाइल को पेस्ट करना है, आपके फोन के एक्सटर्नल स्टोरेज होगा यानी कि आपका SD कार्ड, उसमें आपको इसे पेस्ट कर लेना है। और कहाँ पे मैंने पेस्ट किया है वो भी एक बार मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। तो आप चलते हैं मेरे फोन के SD कार्ड में और SD कार्ड में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं UL Asus X00T करके जो ये फाइल है, ये वही फाइल है जो मेरे फोन को डाउनग्रेड करने में हेल्प करेगी, क्योंकि यार मैं एंड्रॉइड 10 से परेशान आ चुका हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके फोन को कर लेना है स्विच ऑफ। तो पावर ऑफ सबसे पहले मैं अपने फोन को कर लेता हूं। तो यार अभी मेरा फोन जो है पावर ऑफ हो चुका है और यहां पे मुझे इसे लेके जाना है रिकवरी मोड में। तो रिकवरी मोड में ले जाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने फोन का वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों साथ में प्रेस करना होगा, दोनों को साथ में प्रेस कर लेता हूं। तो अभी वेट कर लेते हैं फोन के रिकवरी मोड में आने का। और यार डाउनग्रेड मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स थे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यार जब तक मैं आपको रिव्यू ना दूँ तब तक आप इसको इंस्टॉल मत करना, और बाय चांस अगर आपने कर लिया है और आप भी डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे तो जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें साउंड को लेकर के बहुत बग थे, कैमरा को लेकर के बहुत बग थे, क्योंकि मैं अपनी वीडियो फ़ोन से ही शूट करता हूँ तो मेरे हिसाब से एंड्रॉइड 10 मेरे किसी भी काम का नहीं है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कमियाँ, अगर आपको पूरा डिटेल रिव्यू देखना है तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं कि मैं क्यों परेशान आया और क्यों मैं Android 10 से Android 9 पे जा रहा हूं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहां पे आपको क्या करना है, आपको जाना है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहां जाने के बाद में आपको सिंपली अपना पावर बटन जो है उसको प्रेस कर देना है। अब आप आ गए हैं अपने फ़ोन के SD कार्ड में, SD कार्ड में आपको जाना है आपकी फ़ाइल पे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने वही फाइल सेलेक्ट कर ली है और वापस से अब यहां पे हमें पावर बटन प्रेस कर देना है। तो ये मैंने पावर बटन को प्रेस किया और आप देख सकते हैं फ़ोन के नीचे की तरफ मेरा जो अपडेट था वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। वैसे अपडेट इसको ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक डाउनग्रेड है जो एंड्रॉइड 10 से हमें 9 में लेकर के जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि इंस्टॉल हो और देखते हैं चीज़ें किस तरह से काम करेंगी और कैसे कुछ होता है। और हाँ यार एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो अपने फ़ोन का आप बैकअप ज़रूर से ले लीजिएगा, क्योंकि Asus के वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था कि आपका जो भी डेटा होगा वो सारा इरेज हो जाने वाला है इसके दौरान। तो मेक श्योर आपने अपने डिवाइस का बैकअप बना लिया हो। और साथ ही यार एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस इन फ्यूचर भी पाने के लिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए।
तो गाइज अभी आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस था इंस्टॉलेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें करीबन मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा। अगर आपके पास में हो सकता है लोअर वेरिएंट है तो मे भी आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, जरूरी नहीं है कि लगी ही। और इसके बाद में हमें अपने फोन को करना होगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको इसे परफॉर्म कर देना आपके डिवाइस पे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे डायरेक्टली रिबूट कर लोगे आपके डिवाइस को तो आपका फोन स्टक हो जाएगा एक पासवर्ड पे जा करके, और वो पासवर्ड ना तो आपको पता होगा क्या है ना ही मुझे पता है। और ASUS ने भी यही रिकमेंड किया है कि आप अपने फोन को डेटा फैक्ट्री रीसेट एक बार जरूर से कर लें। तो चलिए कर लेते हैं। तो मेरा सारा डेटा अभी जाने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन का डेटा भी जो है वो जा चुका है। और यार ये थोड़ा मक्खियां मुझे परेशान कर रही हैं। और इसके बाद में फाइनल स्टेप आपको करना है वाइप कैश पार्टीशन। आप ये भी एक बार कर लीजिए, इसको भी कर लेते हैं यार ये मक्खियां थोड़ा। और अब आपको आपके डिवाइस को रिबूट सिस्टम नाउ यहां पर लेकर के जाना है। तो गाइस जेनफोन ज़्यादा समय तक तो फ़ोन में नहीं चला है, और आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ना इस बार कोई पासवर्ड वगैरह इसने मांगा है। सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल ये भी यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि हमें एंड्रॉयड 10 के जो भी बकवास बग्स थे उनसे आज़ादी मिल चुकी है। और इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज, तो यार मैं इंग्लिश इंडिया चलाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं चलाना पसंद करता हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड करेक्शन होता है वो अच्छे से काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग को जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। और यहाँ सिंपली स्टार्ट पे चलते हैं, और जो भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं वो सब आप सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने सभी चीज़ों को, देखो ये भी इसको आना ज़रूरी था, ये आ गया है फाइनली, बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो आप देख लो एक बार ध्यान से कि सिस्टम जो आपका अपडेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और इसके अलावा ये आपका वही वर्जन है जो मैंने आपको दिखाया था उस फाइल का जो कि हमने डाउनलोड की थी, तो इसको ओके कर लेते हैं। और इसके अलावा अभी मोबाइल डेटा नेटवर्क पे ही हम लोग इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यार बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, आप यहाँ से तो करते होंगे जैसे आप रीसेट करते हैं उसके बाद में सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर लेते हैं, वैसे ही आपको ये सब करना है। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया, आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर सकते हैं, एंड्रॉयड 10 की जो भी परेशानी आपकी जो भी बग्स हैं उन सबसे आज़ादी पा सकते हैं। तो गाइज ये था तरीका जिसकी मदद से आप अपने फोन को वापस से डाउनग्रेड कर सकते हैं एंड्रॉइड 5 में। अब हाँ यार आपके मन में एक सवाल और आया होगा जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, वो ये होगा कि आखिर हम अपग्रेड के बाद में जाएंगे किस बिल्ट में। तो आपको याद होगा एंड्रॉइड 9 में सबसे पहले अपडेट आया था 63 का, उससे पहले आया था 61 का, और उसके पहले एक और था 60 का। तो आपको वही 60 वाला बिल्ड यहां पर मिलने वाला है इस डाउनग्रेड में, और आपको इसके बाद में एक OTA मिलेगा जहां आपको डायरेक्टली 63 बिल्ड मिल जाएगा। तो जैसे ही आप OTA के थ्रू 63 में चले जाएंगे तो आपके पास यहां पर होगा एंड्रॉइड पाई बिल्कुल लेटेस्ट बिल्ड के साथ में। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पे मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। कोई वीडियो का सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझसे वहां पर मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई बात वगैरह करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पर मैं मिल जाऊंगा, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।